Linear programming method. Linear programming method for solution of games. फॉर सॉल्यूशन ऑफ गेम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड की सहायता से किसी गेम को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर, इसकी थ्योरी के बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। कोई भी गेम आपको दिया जा सकता है, उस गेम की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन उस गेम का सॉल्यूशन करना एलपीपी की सहायता से वो मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा मेथड हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले गेम आपके पास है, उस गेम की सहायता से फिर एलपीपी बनाओ, एलपीपी बना के फिर उसको आप सोल्व करो, आप सिंप्लेक्स मेथड वगैरह उस पर लगाओ, तो वो लंबे क्वेश्चन है। लेकिन इसके बारे में जो थ्योरी इसमें जो मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर, उसके बारे में तो आपसे पूछा ही जा सकता है। सपोज कोई भी गेम आपको दे रखा है इस तरह से, मान लेते ये हमें एक गेम दिया हुआ है, सपोज इधर प्लेयर ए प्लेयर, और इधर मैंने क्या ले लिया प्लेयर बी। प्लेयर ए की जो प्रोबेबिलिटीज है वो मैं लिख देता हूँ। सपोज फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करने की प्रोबेबिलिटी x1, सेकेंड स्ट्रेटेजी चूज करने की प्रोबेबिलिटी x2 एंड सो ऑन xm। ठीक है, तो m स्ट्रेटेजीज तो किसके पास है, प्लेयर ए के पास, उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दी मैंने यहाँ पर। प्लेयर बी के लिए y1, y2 एंड सो ऑन yn। सपोज प्लेयर बी की n स्ट्रेटेजीज है, तो उन स्ट्रेटेजीज को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो y1, y2 अप टू yn है। और पे ऑफ मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a11 है, यहाँ पर a12 एंड सो ऑन a1n, a21, a22 एंड सो ऑन a2n। और इसी तरह से am1, am2 एंड सो ऑन amn। ठीक है, ये मैट्रिक्स गेम सपोज आपको दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। और सपोज इस तरह का गेम है कि ना तो इसका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही इसको आप डोमिनेंस प्रॉपर्टी से रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, ना ही ग्राफिकल मेथड आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो फिर आपको इसको एक जर्नल मेथड हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कोई भी गेम है, एक अभी फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट आपको हम लिखवाएंगे कि अगर मिक्स्ड स्ट्रेटेजिक फॉर्म में कोई भी गेम है तब उसकी वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमेशा एग्जिस्ट करती है, तो इसकी गेम वैल्यू आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और जो भी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर दे रखी हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखो आप, प्लेयर ए के लिए अगर मैं प्रॉफिट लिखूं या गेन लिखूं, गेन्स ऑफ प्लेयर ए, गेन्स ऑफ प्लेयर ए। ए प्लेयर के गेन्स अगर मैं यहां पर लिखूं तो प्लेयर ए अगर कौन ये स्ट्रेटेजी चूज करता है तो इसको कितना प्रॉफिट होगा। तो पहली स्ट्रेटेजी अगर भाई सपोज प्लेयर ए अपनी सारी स्ट्रेटेजी चूज करेगा और प्लेयर बी सपोज पहली स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है तो ए को कितना गेन मिलेगा। देखो आप, प्लेयर बी की तो फिक्स कर दी y1 स्ट्रेटेजी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉलम, और प्लेयर ए अपनी बाकी स्ट्रेटेजी काम में लेते हुए कितना प्रॉफिट कमाएगा, a11 x1, ठीक है, क्या बनेगा देखो a11 x1, मैं एक बार उधर लिख देता हूँ फिर यहाँ मैं समीशन की फॉर्म में लिख दूंगा। क्या आएगा, a11 x1 आ रहा है प्लस a21 x2 और इसी तरह से कहां तक am1 xm, am1 और xm। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इक्वल टू समीशन ऑफ a1 2 3, ये वेरी कर रहा है तो ai1 और xi, जहां i इक्वल टू कहां से 1 से लेकर m तक, इस तरह लिख सकते हो आप इसको। i इक्वल टू 1 लिखा तो a11 x1 हो गया, a21 x2 प्लस am1 xm। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है यहाँ पर कितना गेन मिला, समीशन ऑफ, ठीक है, समीशन ऑफ फोर प्लेयर ए है। ये आ गया समीशन ऑफ ए आई वन और एक्स i = 1 to m। इसी तरह से कोमा। अब सेकंड के लिए मैं आऊं, ठीक है, सेकंड के लिए क्या इसका सेकंड कॉलम फिक्स हो गया, तो क्या बनेगा समीशन ऑफ a i2 और एक्स i = किसके हो गया 1 to m, ठीक है, क्योंकि अब सेकंड कॉलम फिक्स है तो 1 2 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 2 एंड लास्ट में m2 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहां पर क्या आ गया समीशन ऑफ ai, अब ये कौन सा कॉलम हो गया nth कॉलम a i n और x i where i = 1 to m। तो ये क्या आ गया मेरे पास गेन्स ऑफ प्लेयर a प्लेयर के गेन्स। जब प्लेयर b y1 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो इतना गेन होगा ए प्लेयर को, अगर प्लेयर b y2 प्रोबेबिलिटी या सेकंड वाली स्ट्रेटेजी चूज करता है तो प्लेयर ए का जो गेन है वो ये होगा। इसी तरह से ये प्लेयर ए का क्या है गेन है या प्लेयर ए का क्या है प्रॉफिट है। तो ये सारे अगर ए के प्रॉफिट्स हैं तो प्लेयर ए को कौन सा प्लेयर मानते हैं हम, ए प्लेयर होता है मैक्स मिन प्लेयर, ठीक है, यानी कि जो उसके गेन्स होते हैं मिनिमम जो गेन्स हैं उनको हम क्या करते हैं मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी ये गेन्स आपके आ रहे हैं ये गेन्स इन सब का क्या करना है आपको मिनिमम, ये तो गेन्स, ठीक है, मिनिमम गेन्स हो गए, और मिनिमम गेन्स का फिर आपको क्या लेना है मैक्सिमम लेना है, क्या लेना है मैक्सिमम, यही तो होता है प्लेयर ए के लिए मैक्समिन, ठीक है, यानी कि इसके मिनिमम गेन्स का हम क्या लेते हैं मैक्सिमाइजेशन लेते हैं, ठीक है ये। अब आप देखिए यहां से अगर ये जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर पूरी क्वांटिटी आ रही है इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, यानी मिनिमम ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज, अगर इसको मैं सपोज v मान लूं, क्या मान लिया मैंने स्मॉल v, इन सभी क्वांटिटीज का मिनिमम मैंने क्या मान लिया स्मॉल v, तब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, और साथ में एक रिलेशन और चल रहा है यहाँ पर, साथ में एक रिलेशन और है कि जो भी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर आ रही है कौन कौन सी प्लेयर ए की स्ट्रेटेजीज की प्रोबेबिलिटी x1, x2, xm, तो ये आपको पता है कि x1 प्लस x2 और प्लस xm जितने भी आ रहे हैं यानी कि समीशन ऑफ xi i = 1 to m ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज है और प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, ठीक है। एंड जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं ये xi वो सारी कैसी है >= 0, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से तो बड़ी होगी या 0 के बराबर, ठीक है, तो >= 0 होंगे और सबका सम क्या होगा 1। अब देखो प्लेयर ए आपका कौन सा प्लेयर है मैक्समिन प्लेयर, तो मैंने मैक्समिन प्रिंसिपल इस पर अप्लाई किया है। अब जो इस ब्रैकेट के अंदर पूरी क्वांटिटी आ रही है इसको मैं स्मॉल v मान रहा हूं, तो देखो ये क्या बनेगा आपके पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं मैक्सिमम ऑफ v बन गया। क्या किया मैंने, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये, ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी जो यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी क्वांटिटी बन रही है ये इस ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी, यानी मिनिमम ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज उसको मैंने स्मॉल v मान लिया है, स्मॉल v यानी स्मॉल v इन सब का मिनिमम है, ये कोमा ये इन सब का मिनिमम क्या मान लिया मैंने स्मॉल v, तो मैक्सिमम ऑफ और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया स्मॉल v, ठीक है एक चीज। और साथ में अगर v इन सब का मिनिमम है, v अगर इन सब का मिनिमम है तो ये सारी क्वांटिटीज v से क्या होगी >= v अगर इन सब का क्या लिया है मैंने मिनिमम लिया है, तो ये जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं ये क्या होगी >= v। इसका मतलब क्या बनेगा देखो समीशन ऑफ a i1 और x i where i = 1 to m क्या है >= v। इसी तरह से सेकंड पर जाऊं तो समीशन ऑफ ए आई टू और एक्स आई जहां i = 1 to m है ये भी क्या होगा >= v एंड सो ऑन। इसी तरह से लास्ट वाला समीशन ऑफ a i n एक्स आई वेयर i = 1 to m इट इज आल्सो >= v, ठीक है ये आ गया। एंड क्या है समीशन ऑफ एक्स आई i = 1 to m ये पूरा सम किसके बराबर है 1 के, और साथ में जितने भी एक्सरसाइज हैं ऑल आर >= 0, ठीक है, तो इस फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। अभी मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर पाऊंगा, देखो इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या बनेगा। इस टेबल को तो मैं एक बार के लिए मिटा देता हूं। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल यहां पर मैंने काम लिया है प्लेयर ए के लिए। अब जो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी ये, इसको मैं लिखूंगा फॉर v ग्रेटर देन 0, फॉर v ग्रेटर देन 0। अगर गेम की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, नेगेटिव में है, तो फिर जो टेबल आपकी बनेगी मैट्रिक्स, उसकी सारी एंट्रीज को आप पॉजिटिव बना देंगे। कैसे बनाएंगे, सपोज कोई भी मैट्रिक्स ये है 1 2 3 -4 आ गया, 2 आ गया, -3 2 1 4, सपोज ये है। तो फिर अगर इस तरह की स्थिति आती है कि गेम की वैल्यू माइनस में जा रही है, तो फिर आपको क्या करना है, पहले उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे, कि यहाँ पर -4 सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, तो पूरे में 5 ऐड कर दो। आप पूरी मैट्रिक्स में क्या ऐड कर देंगे अपन, 5। तो 5 ऐड करूंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 + 2 7 हो गया, 8 हो गया, 5 किया तो 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 5 और 4 9, मैट्रिक्स ये बन गई। तो अब इस मैट्रिक्स को सोल्व करोगे आप, इसकी वैल्यू निकाल लोगे गेम की, और गेम की फाइनल लास्ट में आके जो भी वैल्यू आएगी गेम की वैल्यू, उसमें से वापस किसको घटा दोगे आप, 5 को घटा दोगे। सपोज लास्ट में आगे 10 आ गई तो लास्ट में -5 वापस कर दोगे, तो ये आपके ओरिजिनल गेम की क्या होगी, वैल्यू। ठीक है, तो v को हम इस तरह का यहाँ पर रखेंगे कि v क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0, और अगर नहीं है v ग्रेटर देन 0 तो फिर उसको हम बना लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है मैट्रिक्स गेम्स को सोल्व करने का। ठीक है, तो v अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, v से इस पूरे को डिवाइड कर सकता हूँ। v से पूरे सिस्टम को क्या कर सकता हूँ मैं, डिवाइड कर सकता हूँ। तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, और एक चीज और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, v से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, xi/v। तो xi/v इक्वल टू मैं कैपिटल V के लिख रहा हूँ, इक्वल टू किसके लिख रहा हूँ, कैपिटल V के। xi/v इक्वल टू किसके लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल V के। वो सॉरी कैपिटल xi के, कैपिटल xi ये मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करोगे v को तो xi/v आएगा, यहाँ पर भी xi/v आएगा, सारी टर्म। तो xi/v को मैं कैपिटल xi लिख रहा हूँ, जहाँ i की वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रही है, 1 से लेकर m तक, 1 से लेकर m तक। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इस वाले रिलेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इस वाले रिलेशन को, इस रिलेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप, क्या बनेगा, समीशन ऑफ xi है तो दोनों तरफ में v से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ xi/v, मैंने इधर कर दिया, और इक्वल टू 1/v क्या कर दिया मैंने, v कर दिया। यानी कि यहां से क्या आ गया, 1/v इक्वल टू समीशन किसके बन गया, कैपिटल xi के बन गया। 1/v इक्वल टू किसके बन गया, समीशन ऑफ xi के, और 1/v को मैं क्या मान लूंगा, कैपिटल V मान लूंगा। ठीक है, तो देखो यहां से क्या बनेगा, नाउ ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, इसको मैं मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1/v की प्रॉब्लम में बना रहा हूं। ठीक है, तो v अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो 1/v को मैं क्या लिख सकता हूं, मिनिमाइजेशन ऑफ 1/v, मिनिमाइजेशन ऑफ 1/v, और 1/v को किसके इक्वल लिख सकते हैं, समीशन ऑफ xi के। अभी मैंने लिख के बताया समीशन ऑफ xi के, यानी क्या हो जाएगा ये x1 + x2, या समीशन ऑफ xi कर देता हूं मैं, समीशन ऑफ xi वेयर i इक्वल टू 1 to m। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वलिटी थी इसको तो मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पर भेज दिया है, और बाकी क्या बचे आपके पास, बाकी एंड क्या बचा, देखो ai1 समीशन ऑफ ai1, और जब इसको डिवाइड करेंगे xi/v को क्या लिख सकता हूं मैं, कैपिटल xi, तो कैपिटल xi i इक्वल टू 1 to m, और क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसी तरह से समीशन ऑफ a क्या आ जाएगा, ai2 और कैपिटल xi ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक है, m तक, एंड सोन समीशन ai ए आई क्या है एन और एक्स आई आई इक्वल टू 1 to m एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और फाइनली एंड वो कैपिटल एक्स आई चल रहा है कैपिटल एक्स आई एंड कैपिटल एक्स आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि स्मॉल एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है v मैंने क्या लिया है ग्रेटर देन 0 तो एक्स आई अपॉन वी यानी कैपिटल एक्स आई भी क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये एलपीपी इस फॉर्म में मेरे पास आ रही है और फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनली ये एलपीपी मेरे पास ये बनेगी मिनिमम ऑफ कैपिटल वी और कैपिटल वी इक्वल टू किसके ले लिया मैंने 1 upon v के, कैपिटल वी इक्वल टू 1 upon v के मान लिया तो मिनिमम ऑफ कैपिटल वी इक्वल टू किसके हो गया देखो कैपिटल X1 प्लस कैपिटल X2 प्लस एंड सो ऑन कैपिटल XN कैपिटल X वो M M तक जा रहा है I की वैल्यू M तक ठीक है M सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या आ गई है आपकी सब्जेक्ट टू कंडीशन। इसको समीशन को मैं ओपन कर रहा हूं तो क्या जाएगा यहां से देखो i इक्वल टू 1 रखा तो a11 x1 प्लस a21 x2 एंड प्लस सोन am1 और xm क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वाले में i को वैल्यू करें तो i इक्वल टू 1 रखा तो a12 x1 प्लस a22 x2 प्लस am2 xm इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। इसी तरह से लास्ट वाला कंस्टेंट क्या बन रहा है a1n x1 प्लस a2n x2 प्लस एंड सो ऑन amn और xn दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जितने भी एक्स आई यहाँ पर आ रहे हैं एक्स आई ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ठीक है। तो ये अब आपकी एलपीपी बन गई। इस एलपीपी को सोल्व करके आप गेम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्विंग दिस एलपीपी और ये एलपीपी किसकी है फॉर प्लेयर ए, किसके लिए चल रही है प्लेयर ए के लिए, प्लेयर ए की एलपीपी बनी है। तो सोल्विंग दिस एलपीपी वी गेट कैपिटल वी ठीक है, इसको सोल्व करके कैपिटल वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और कैपिटल वी किसके बराबर है 1 upon v के। तो कैपिटल वी आ गया तो 1 upon v आ गया और मैक्सिमम ऑफ ये मिनिमम ऑफ v है ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है आपका अगर मिनिमम ऑफ कैपिटल V आपने फाइंड किया यानी कि मिनिमम ऑफ क्या आ गया आपके पास 1 upon v, इसका मतलब क्या मिल गया आपको मैक्सिमम ऑफ v, मैक्सिमम ऑफ स्मॉल v। तो स्मॉल v आपका क्या कहलाएगा वैल्यू ऑफ गेम। तो जो भी कैपिटल V आ रहा है ना उसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ गेम किसके लिए प्लेयर ए के लिए क्योंकि प्लेयर ए मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है। तो फाइनली जो वैल्यू है स्मॉल v उसकी मेन वैल्यू है गेम की और वो किस पर जा रही है मैक्सिमाइजेशन पर। इसी तरह से और दूसरा रिलेशन क्या था स्मॉल एक्स आई इक्वल टू किसके लिए है कैपिटल एक्स आई इक्वल टू क्या लिया हमने एक्स आई अपॉन वी। इसका मतलब अगर स्मॉल एक्स आई फाइंड करना है तो इसकी सहायता से कैपिटल एक्स1 कैपिटल एक्स2 ये सारे तो आ ही जाएंगे आपके पास। तो स्मॉल एक्स आई किसके बराबर होगा वी इंटू कैपिटल एक्स आई इस फॉर्मूले की सहायता से आप स्ट्रेटेजीज फाइंड कर सकते हो क्योंकि v यहां से आ चुका एक्स आई यहाँ इस एलपीपी से आ गए अब स्मॉल एक्स आई निकल गए यानी जो ओरिजिनल गेम आपको दिया हुआ था उसमें स्मॉल x1 स्मॉल x2 एंड सो ऑन वो सारे निकाल सकते हो और स्मॉल v की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप प्लेयर a की मैट्रिक्स बना सकते हो। तो आप देखें अगर एक बार इसको मैं देखो ये गेम आपके पास था। अब इसको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन करते समय आपको, आप सीधा देखो आप सीधा लिख पाओगे ये वाली मैट्रिक्स सीधा किस तरह से लिखेंगे देखो ये आपको दे रखा है ये मैट्रिक्स थी a11 a12 a1n a21 a22 a2n एंड सो ऑन am1 am2 amn इधर क्या है x1 x2 xm इधर y1 y2 और yn ये है। तो अब यहां से आप देखो सबसे पहले क्या करना है आपको प्लेयर ए की जब मैट्रिक्स आप लिखोगे या प्लेयर ए की जब एलपीपी लिखोगे, एलपीपी तो क्या लिखोगे, मिनिमम ऑफ कैपिटल वी, मिनिमम ऑफ, लेकिन ध्यान रहे वैल्यू ऑफ गेम क्या है, स्मॉल वी। स्मॉल वी किसके बराबर है, 1 अपॉन कैपिटल वी के। तो जो भी यहां पर वी आएगा उसका आपको रेसिप्रोकल करना। सपोज वी की वैल्यू आपकी 5 आ गई तो फिर गेम की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/5, क्योंकि प्लेयर कौन सा है अपना, मैक्सिमाइज वाला है। तो जो मिनिमम की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप उसका रेसिप्रोकल करके। क्या बन रहा है देखो, यहां से पहला रिलेशन प्लेयर ए के लिए लिख रहे हो तो ए के लिए देखो a11x1 प्लस a21x2 प्लस am1xm, यही तो आ रहा है। देखो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख देना है, ठीक है, कैपिटल की फॉर्म में लिख रहे हो आप, कैपिटल x1 कैपिटल x2 की फॉर्म में। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो कि कैपिटल एक्स आई किसके इक्वल है, स्मॉल एक्स आई अपॉन वी के। फिर सेकंड वाले के लिए लोगे a12x1 a22x2 कैपिटल की फॉर्म में ले लोगे आप, ठीक है, और इसी तरह से लास्ट वाला a11x1 a2n x2 और amn xn ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये एलपीपी बन गई। इसी तरह से आप एलपीपी किसकी बना सकते हो, बी प्लेयर की। बी प्लेयर की एलपीपी क्या बनेगी, देखो बी प्लेयर की एलपीपी कुछ भी नहीं है, इसका ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी आ रही है इसका ड्यूल प्रॉब्लम बनेगी। वो क्या बनेगी, ड्यूल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एलपीपी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एलपीपी ऑफ, एलपीपीज ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स ए एंड बी आर आर ड्यूल प्रॉब्लम्स, dual problems of each other, problems of each other, ठीक है। यानी अगर A वाली प्रॉब्लम को प्राइमल आप मानो तो B वाली उसका ड्यूल कहलाएगी, या B वाली प्रॉब्लम को अगर प्राइमल मानो तो A वाली प्रॉब्लम उसका ड्यूल कहलाएगी, ठीक है। तो यहीं पर अगर मुझे इसकी ड्यूल बनानी तो ड्यूल में क्या होगा, सारे साइन क्या आ जाएंगे यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू, सारे साइन क्या बन जाएंगे, लेस देन इक्वल टू। तो अगर बी की प्रॉब्लम आपको लिखनी है तो देखो मैं लिख के बता देता हूं आपको एक बार। अगर प्लेयर बी के लिए आपको करना है, फॉर प्लेयर बी, बी प्लेयर के लिए, तो बी प्लेयर के लिए क्या करेंगे, इधर से देखेंगे y1 y2 yn कैपिटल की फॉर्म में ले लोगे तो क्या लिखोगे, अब मैक्सिमम ऑफ कैपिटल v आ जाएगा, क्योंकि 1/v करेंगे तो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या बनेगा फिर, इक्वल टू कैपिटल y1 प्लस कैपिटल y2 और प्लस कैपिटल कहाँ तक, yn तक जाएगा, अब n तक। और फिर इसमें देखो आप सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या बनेगी, a11 फिर कैपिटल y1 a11 कैपिटल y1 a12 कैपिटल y2 और प्लस a1n और कैपिटल yn लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, जब ड्यूल करोगे तो लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरह से नेक्स्ट में a21 y1 प्लस a22 y2 प्लस a2n yn लेस देन इक्वल टू 1 और लास्ट में जाकर के आ गया am1 y1 प्लस am2 y2 प्लस amn yn इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड yi जितने भी आ रहे हैं yj या yi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक, ठीक है। तो ये ड्यूल प्रॉब्लम किसकी बन गई आपकी, b प्लेयर की, ठीक है, बी प्लेयर की, जहां yi किसके इक्वल लिया है, yi इक्वल टू स्मॉल yi अपॉन स्मॉल v, ठीक है, स्मॉल yi अपॉन स्मॉल v, ठीक है। इसको अपन ने क्या लिया है और 1/v को क्या लिया अपन ने, कैपिटल v। इस तरह से हम करते हैं। तो ये एक तरीका है कि दी गई जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या बना दें, हम उसकी एलपीपी बना दें और उसकी एलपीपी बना के फिर उस गेम को हम सोल्व कर दें, एलपीपी को सोल्व कर दें। तो ये केवल प्रोसीजर आप इसमें ध्यान रखिए कि अगर कोई भी गेम दे रखा है तो उसकी आप कैसे एलपीपी बना सकते हो। बाकी क्वेश्चंस आना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है नहीं इस पर, इस मेथड का। ठीक है, जैसे ये प्रॉब्लम है, अब मैं पूरा तो नहीं बता रहा हूँ, केवल एलपीपी की फॉर्म में इसको मैं बता देता हूँ। ये सपोज प्लेयर ए के लिए दे रखा है और प्लेयर बी के लिए क्या दे रखे हैं, 1 -1 और -1। इधर देखें -1 -1 और 3, फिर -1 2 और -1, ठीक है, ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट रो का मिनिमम क्या है, -1, सेकेंड रो का मिनिमम -1, थर्ड रो का मिनिमम -1, फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम +1, सेकेंड का 2, थर्ड का 3। तो रोज जो भी आ रहा है मिनिमम, ठीक है, इन सब का तो मैक्सिमम लेते हैं तो -1 आ रहा है, ठीक है, और कॉलम्स का मैक्सिमम तो इन सब का मिनिमम लेंगे तो +1 आ रहा है। इसका मतलब गेम की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, -1 से लेकर कहाँ तक, +1 तक, ठीक है। गेम की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, -1 से +1, यानी कि गेम की वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी LPP की फॉर्म में क्वेश्चन को करोगे तो अगर गेम की वैल्यू नेगेटिव आने की संभावना है तो पहले आप उसको क्या बनाओगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे इसको, -1 इसमें हाईएस्ट नेगेटिव है तो ऐसा कर देना 2 इसमें ऐड कर दें, पूरी मैट्रिक्स में 2 ऐड अगर अपन करें तो मैट्रिक्स ए बन जाएगी आपकी। अगर पूरी मैट्रिक्स में 2 ऐड कर दें तो 1 + 2 हो किया तो 3, 2 किया तो 1, 2 किया तो 1, यहाँ पर 1 1 और यहाँ 2 किया तो 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 किया तो 4 और यहाँ पर किया तो 1। तो ये ए प्लेयर हो गया, ये बी प्लेयर हो गया, ठीक है, ये आपका बन गया गेम। अब ए के लिए स्ट्रेटेजीज क्या है, x1 x2 x3, बी के लिए y1 y2 y3। अब आप बी के करस्पोंडिंग अगर लिखें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बी के लिए क्या लिखेंगे अपन, मैक्सिमम ऑफ कैपिटल V, मैक्सिमम B की LPP लिख रहा हूं मैं, तो B की LPP मैक्सिमम ऑफ कैपिटल V है, ठीक है, या इसको ये भी लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ 1/V होता है, ठीक है। तो मैं 1/ मिनिमम नहीं लिखकर मैक्सिमम लिख देता हूं, मैक्सिमम जहां कैपिटल V को मैं फिर वापस किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1/V से। और प्रॉब्लम क्या बनी देखो, यहाँ से एक तो क्या बनेगा, कितने y1 y2 y3, कैपिटल y1 प्लस कैपिटल y2 और प्लस कैपिटल y3, फिर क्या बनेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन से, यहाँ से देखो आप 3y1 प्लस y2 प्लस y3, 3y1 प्लस y2 प्लस y3, कैपिटल y है ये, 3 कैपिटल y1 प्लस कैपिटल y2 प्लस कैपिटल y3 लेस देन इक्वल टू 1, और y1 प्लस y2 प्लस 5y3 लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट है y1 प्लस 4y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल टू 1 एंड y1 y2 y3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्लेयर बी की LPP बन गई, बी प्लेयर की क्यों लिखनी चाहिए अपने को, क्वेश्चन सोल्व करते समय इसलिए लिखनी चाहिए क्योंकि सब लेस देन इक्वल टू में आ जाएंगे, और यहाँ केवल आपको स्लैक वेरिएबल काम में लेना पड़ेगा। स्लैक वेरिएबल करते ही आपकी LPP के जो बेसिक मैट्रिक्स है वो आपको मिल जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हुआ तो फिर आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो ज़्यादा लेंदी होता है। तो ये आप इस तरह से इसकी LPP लिख सकते हैं और फिर इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये LPP की सहायता से, अब ये जनरल मेथड है, ठीक है, ये किसी भी गेम पर लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम जहां टाइम का बहुत इंपॉर्टेंसी है, जहां आपको 2 मिनट या 1 मिनट में ही क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, वहां पर इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपसे LPP तो पूछ सकता है, ये आपसे तो पूछ ही सकता है ना कि ये गेम आपको दे दिया तो इसकी कौन सी LPP है। अगर आपको यही नहीं पता, आप सीधा माइनस वाली LPP लिख के आ गए तो फिर उससे दिक्कत होगी अपने को। अपने को ये देखना है कि गेम की वैल्यू माइनस जाने की संभावना है तो पहले प्लस बनाना है, फिर उसके करस्पोंडिंग क्या लिखनी है, हमें LPP लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सब में क्या ऐड किया है, 2, सब में प्लस क्या किया है मैंने, 2, तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी गेम की लास्ट में जाकर, उसमें से फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है। तो जब फाइनल गेम की वैल्यू सपोज 5 आ गई है आपकी, तो एग्जैक्ट जो इस वाली, वो तो इस मैट्रिक्स की आई 5, ठीक है, इसके लिए करने के लिए वापस क्या कर दोगे, 2 को माइनस कर दोगे तो वो पहले वाला जो गेम है अपना उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये LPP है किसी भी गेम के करस्पोंडिंग, इस LPP को सॉल्व करके आप गेम की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो।